इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए एपस्टर गो एस लाइट को अपने मिड एंड पीसी में गेमिंग करने के लिए, वो भी अच्छे एफपीएस में। नमस्कार टेक ट्यूबर, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस वीडियो में। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एपस्टर गो ओएस लाइट को अपने पीसी में। सो लेट्स गेट इन। अगर आपने इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके वो वीडियो वॉच कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें जाना होगा विंडोज़ में और यहाँ पे सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल, क्योंकि कई लोगों के यहाँ मेगा ओपन नहीं होता है अगर वो BSNL जैसे ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तब। अब आपने क्लिक कर लेना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। यहाँ पे आपने वाईफाई में क्लिक कर लेना है अपने, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके IPv4 में आपने डबल क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस। और यहाँ पे प्रिफर्ड में आपने डाल देना है 1.1.1.1 और टैब प्रेस करके आप दूसरे में डाल दीजिए 8.8.4.4। पहला वाला क्लाउडफायर का DNS है और दूसरा वाला जो है वो गूगल का DNS है। अब आपने कर लेना है ओके में क्लिक, यहाँ से भी ओके में और यहाँ से क्लोज में। इसके बाद इसे मैं कट कर लेता हूँ। आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में और जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसे आपने ओपन कर लेना है। और इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिलेंगी। पहली फाइल है जिसमें जी एप्स आपको मिलेंगी, यानी गूगल एप्स जो प्ले स्टोर ये सब होता है वो सब आपको मिलेगा। और दूसरे में आपको प्ले स्टोर ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसकी जगह आपको दूसरे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स उसके अंदर। तो मैं वही वाला डाउनलोड करूँगा जिसमें गूगल एप्स नहीं है, क्योंकि वो कम MB का भी होता है और साथ ही साथ थोड़ी रैम यूसेज भी कम लेता है, तो गेमिंग और अच्छे से हो पाएगी। इसमें तीन वाले डॉट में क्लिक कर लेना है हमें, और यहाँ पे डाउनलोड में जाकर के स्टैंडर्ड डाउनलोड में हमें क्लिक कर लेना है। तो डाउनलोडिंग हो चुके हैं स्टार्ट। डाउनलोड कम्प्लीट हो जाने के बाद आप वॉच कर लीजिए इंस्टॉलेशन वाली वीडियो को। वीडियो देखने के लिए थैंक्स टेक्यूबर्स। आज करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। धन्यवाद।